अच्छा तो भाई लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आज के सीन्स को जैसे लाहौर में जो है ब्रांच की ग्रैंड ओपनिंग थी, जिसपे जो है उन्होंने डील लगाई थी कि आप 800 रुपीज में ऑल यू कैन ईट, मतलब बेसिकली आपने 800 रुपए देने हैं और जितना मर्जी आप जो है खा। प्लस वहाँ पे इरफान भाई भी आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि जाके ओपनिंग के जाके फूड रिव्यू बनाते हैं और इसी बहाने जो है इरफान भाई से भी मिल लेंगे। अच्छा तो यहाँ पे आज इनकी ओपनिंग है, क्योंकि तो यहाँ इनकी डील चल रही है कि 850 के अंदर जो है ना आप विदाउट टैक्स आप अनलिमिटेड खा सकते हैं। मतलब फ्लेवर जो है वो साथ साथ बंद के आपको दिखा देंगे, आप सारे फ्लेवर ट्राई कर सकते हो अनलिमिटेड जितना मर्जी खाओ। तो सबसे पहले ये उसने क्या बताया था, ओरिजिनल है ये, ओरिजिनल इनका फ्लेवर आ गया, इसका पहला स्लाइस है वो हो। इसकी क्वांटिटी तो हैवी लग रही है, मतलब काफ़ी भारी स्लाइस है। इसको जो है टेस्ट करते हैं, जल्दी करो यार। नाइस यार, अच्छा फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत माल कैसा रहा। अच्छा तो ये अगले फ्लेवर हमारे आ चुके हैं, ये वाला जो है ये क्रिस्पी है और ये फजीता है, तो इनको टेस्ट करके देखते हैं कैसा। क्रिस्पी के बजाय इसका नाम मुझे क्रीमी होना चाहिए था, ये क्रीमी है थोड़ा सा, मतलब काफ़ी ज़्यादा। इसके ऊपर ये भी नाइस। अच्छा तो नाउ लेट्स ट्राई आउट फजीता, ये थोड़ा सा देखने से सिंपल लग रहा है, नहीं काफ़ी अच्छा है, क्रीमी काफ़ी। सबसे अच्छा जो अभी तक जो पहले वाला ट्राई किया था, क्या नाम था उसका, स्पेशल ओरिजिनल, उसके बाद सेकंड में ये फजीता और वो जो दूसरा था क्रिस्पी वाला वो भी अच्छा था, लेकिन ये वाले मुझे ज़्यादा बेहतर लगे। अच्छा तो इसका ये जो सिस्टम है, इसका एक फ़ायदा और एक नुकसान है। फ़ायदा ये है कि इंतज़ार नहीं करना पड़ा, हम जैसे क्या है उन्होंने सर्व कर दिया, मतलब बूफे टाइप सिस्टम है, जिस तरह होता है ना बस वो सर्व कर ही जा रहे हैं। और नुकसान इसका ये है कि क्या नुकसान है पता, क्या नुकसान है आप बताओ मुझे। नुकसान ये है कि वो फॉरन नहीं जा रहे, हमारा इम्तहान ले रहे हैं, कह रहे हैं बूढ़ मगर बच्चे हैं, हमारे पेटों का इम्तहान लिया जा रहे हैं, मतलब इन बेचारों को पता नहीं है। अभी हमारा एक साइज ख़त्म नहीं होता और वो जो है ना दूसरा दूसरा फॉरन सर्व कर रहे थे, कितने खा रही है अभी तक, ये हमारे पाँचवा स्लाइस है, इनको पता ही नहीं है, चौथा चौथा जो मार्केटिंग और सेल्स का मैनेजर है उसने पुराना सिलेबस पढ़ा है, हमारी भी थियोरीज नहीं पढ़ी, इनकी जो है ना सर्विस बड़ी हैवी थी, मतलब वो जो उधर खड़े हुए थे वेटर्स वगैरह वो बिल्कुल आपके पास खड़े हुए हैं। अभी हमारा स्लाइस ख़त्म नहीं होता था तो वो जो है फ़ौरन जो है ना अगला स्लाइस ले आते थे, कोल्ड ड्रिंक भी रीफिल थी मतलब सारी, तो अभी वो ख़त्म नहीं होती तो वो जो है ना अगली ले आते थे, और मतलब फुल वो सर्विस जो है ना उनकी ऐसे 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 काम हो रहा था। रश वगैरह भी काफ़ी था, वो उन्होंने बड़े अच्छे से मैनेज किया हुआ था, क्योंकि अक्सर ऐसी जगह पर होता है कि मतलब इस तरह के जो सीन होता है वहाँ रश पड़ जाता है तो वो मैनेज नहीं कर सकते, तो सब कुछ मैनेज भी बड़े अच्छे तरीके से हुआ होता। नेक्स्ट फ्लेवर जो हमारा आ चुका है पेपरोनी, और एक बात मैं कह दूँ शाउट आउट टू ये जो बॉयज और गर्ल्स खेल रहे हैं, वेरी फास्ट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बहुत फास्ट सर्विस है भाई, मतलब वो हेल्ले हुए हैं और वो चढ़े हुए ऊपर के बस आप खाओ, मतलब हमारी ड्रिंक खत्म होती है ग्लास में तो आ जाते हैं। हाँ मतलब बाकी कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिनकी जो है ना रीफिल होती है, लेकिन उनको वो पुराना पड़ता है कि आओ 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 बस डालो डालो डालो, उनमें से एक पिज़्ज़ा वाला ब्रांड भी है, नाम नहीं देते इस तरह, ऐसी बात ही होती है। लेकिन ये जो है ना अभी यह ख़त्म होती है खुद ही आ जाता है ऐसा रीफिल वगैरह। खैर पेपरोनी ये वाला ठीक है, ये वाला बस हो गया, मतलब पेपरोनी का थोड़ा सा टेस्ट बुरा नहीं है लेकिन ओके, पिछले वाले बहुत अच्छे थे। अच्छा तो ये जो है हमारा लास्ट फ्लेवर आ चुका है, सारे खा लिए हमने, दो भूखे आए थे सब कुछ खा के, नहीं भैया पैसे देके
वो ये जो है वाकई में एक्सट्रीम है, मतलब इसका वेट इस पे मैं बोलूँगा लेवल यार, लेवल ये वाकई में एक्सट्रीम है भाई, बहुत एक्सट्रीम लेवल सबसे कमाल। ये अभी तक जो खाना दिस इज द बेस्ट वन, एक ये और एक जो सबसे पहले वाला खाया था क्या नाम था ना भूल जाता ओरिजिनल वो, और ये जो है ना ये अगर आप आए तो ये। अच्छा इनकी टेस्ट की बात करूँ तो ओवरऑल जो है ना तकरीबन जितने हमने ऑलमोस्ट सारे फ्लेवर्स खाए थे, मतलब आपको पता है फिर हमारा हम जो है खाना नहीं छोड़ते उसे, तो खाना जो हमने तकरीबन क्या हमने उनके सारे फ्लेवर्स ही ट्राई किए, जो कि जिसमें जो है टेस्ट उनका मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। ये सीन था कि मतलब एक या दो फ्लेवर छोड़ के जो मुझे बस ठीक लगे, बुरा कोई भी नहीं था, एक दो फ्लेवर जो थे वो बस ठीक थे और बाकी सारे जो फ्लेवर थे वो बहुत कमाल लेवल यार, लेवल सीन था फुल प्रॉपर मतलब हैवी। अच्छा तो अभी जो है हमारे पास सैलड आ चुका है, सैलड सुनो ना मैं पहले मंगवाना चाहिए था लेकिन पहले क्यों नहीं मंगवाया पता नहीं, बस हमने कहा कि पहले जो है ना मेन चीज़ की तरफ जाते हैं, तो अब जो है हमने सैलड मंगवा लिया, हमने कहा आए हैं तो कुछ खाए बगैर जाना नहीं है तो अब सैलड ला गया। बचपन की ना थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक मोमेंट हो रहा है कि बचपन की मुझे वो याद आ गई कि जब बाकी इनमें से कोई ब्रांड नहीं होता था ना पिज़्ज़ा हट होता सर, तो वहाँ जाया करते थे और वहाँ इस तरह का सैलड आया करता था, वो पिज़्ज़ा हट पर शुरू शुरू में जब बाकी कुछ नहीं होता सर वो वहाँ इस तरह का सैलड होता था। अच्छा तो खाना शाना जो हमने खा लिया और इतना खाना खाया कि हमारे पेटों से आपको अंदाज़ा हो जाएगा बाहर खैर निकल आए हैं, कैसा एक्सपीरियंस था बाय द वे? अच्छा एक्सपीरियंस। ओके ये एक तो इतना ऑकवर्ड जो हो रहा है ना उसको आपने नहीं करना क्योंकि ये जो है ना बीच में गोली करा देता होता है गायब हो जाता होता है। मैंने क्या गोली कराई है भाई अल्लाह। हां तो तू कितने अरसे बाद वीडियोस में आ रहा है? तो भाई वीडियोस में अरसे बाद आ रहा हूं ना, गोली नहीं कराई आपकी तरह विला नहीं ना होता है, कोई व्लॉग नहीं आता रहा हूं मैं, खाना पीने जाता रहा हूं खाने पीने के लिए यार यू नो इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है भाई, वो इन्वेस्टमेंट बनाने 6 डिजिट्स आप कमा रहे हो भी आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए? 6 डिजिट्स तो कभी नहीं कमाएंगे। ओके मिला के भी नहीं होले सकते तेरे। हां सर मेन चीज तो आपको बताई नहीं कि इरफान भाई से मुलाकात कैसी रही, तो वो भी ज़रा चेक कर लो। अच्छा तो इधर जैसा कि आपको पता है कि हम खाने आए थे और टेस्ट तो अंदर लेवल यार और भाई सीन्स कुछ ऐसे बस। अच्छा तो खैर दिस वाज इट फॉर द व्लॉग, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, नहीं पसंद आई तो भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट बट नॉट लीस्ट भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अच्छा और हाँ सीन ये है कि जो है ना इरफान भाई से जो है एक प्रॉपर जो अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि इरफान भाई से मेरी क्या बात हुई, उनको हम किस तरह मिले, ये हमारा सारा प्लान किस तरह बना, तो उसके ऊपर जो है ना एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा बहुत जल्द, वो भी आपको देखने को मिल जाएगी, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड और यस अल्लाह।